Hey guys, सोनू here, welcome back to my channel. अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बाकी लोगों की तरह यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं और यूट्यूब पे चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज का अपने इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप यूट्यूब पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या जरूरी है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये सारे टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, बट इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। आप चाहे तो इसे लैपटॉप, मोबाइल, कहीं भी ओपन कर सकते हैं। देन आपको यहाँ गूगल सर्च बॉक्स में यूट्यूब टाइप करना है। गाइस, अगर आप चाहे तो क्रोम ब्राउजर के अलावा यूट्यूब का एप्लीकेशन भी मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ यूट्यूब ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ कॉर्नर में साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस, यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी होता है वो हमें हमारे पास एक जीमेल का आईडी होना जरूरी है, ईमेल आईडी। तो अगर आपके पास पहले से कोई जीमेल आईडी है तो उससे आपको यहाँ साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास कोई जीमेल आईडी नहीं है अभी तक तो इस पे मैंने पहले से वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप आसानी से उस वीडियो को देख के जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो आप जीमेल की आईडी बनाया है तो आपका जो ईमेल है उससे आपको यहाँ साइन इन कर लेना है। तो चलिए जल्दी से हम इसे साइन इन कर लेते हैं। अपनी ईमेल आईडी से साइन इन करने के बाद से कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आपके लोगो पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे क्रिएट ए चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जहाँ पे चूज हाउ टू क्रिएट योर चैनल। यहाँ पे जो है आप जो चैनल बनाना चाहते हैं वो अपने ही नेम से रखना चाहते हैं, जिस नेम से आपका जीमेल आईडी है, या फिर आप अलग नेम से अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं किसी दूसरे नेम से अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ जो मेरी जीमेल आईडी पे नेम है उसके अलावा, तो उसके लिए सिंपली यहाँ यूज ए कस्टम नेम वाले ऑप्शन पे यहाँ नीचे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आप जिस भी नेम से अपना चैनल बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए हम यहाँ पे अपने चैनल का नेम सेट कर लेते हैं। चैनल नेम सेट करने के बाद यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया होगा, उस पे सिंपली आपको चेक मार्क करके यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल है वो रेडी हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। यहाँ जो नीचे है अपलोड ए प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि आप अपने चैनल का कैसा लोगो लगाना चाहते हैं यहाँ पे अपने चैनल का लोगो सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, मेरा पहले से एक चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो है। तो ऐसा ही आप चाहें तो वहाँ पे अपने चैनल के अकॉर्डिंग लोगो सेट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लोगो बनाने में, अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगो कैसे बनाते हैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। देन आपको नीचे यहाँ पे टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, यहाँ पे आपको अपने चैनल के बारे में लिखना है कुछ कि आपका चैनल किससे रिलेटेड है, किस तरह के वीडियोज आप अपने चैनल पे अपलोड करते हो। तो चलिए यहाँ से हम जो है डिस्क्रिप्शन अपने चैनल के बारे में ऐड कर लेते हैं। अपने चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ नीचे अगर आपकी कोई वेबसाइट्स हैं उसका लिंक ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पे अगर आपका कोई पेज है, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गाइज, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा अगर नहीं है तो आप बना लें अपने चैनल के नेम से ही फेसबुक का और इंस्टाग्राम का पेज, साथ में ट्विटर का पेज। ये जो है आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है और बहुत सारे ट्रैफिक जो है रॉ ट्रैफिक को आपके चैनल पे फॉरवर्ड करता है। देन आपको सिंपली यहाँ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे ये आपके चैनल का होम पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड ए वीडियो टू गेट स्टार्टेड, यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पे। यहाँ पे जो है लोगो के बगल में यहाँ पीछे जो होता है कवर पेज होता है, जिसे हम चैनल आर्ट या चैनल बैनर बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैं चैनल बनाया हूँ पहले से,
ऐसा कुछ बैनर होता है, ये ऐड करना होता है जो कि आपके चैनल को प्रोफेशनल लुक देता है। और जब आप चैनल को मोनिटाइज करते हैं तो ये जरूरी होता है कि आपका चैनल एक चैनल की तरह दिखे, तब आपका चैनल मोनिटाइज हो पाता है। तो ये चैनल बैनर कैसे बनाते हैं, इस पे मैं पहले से वीडियो बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए उसे देखिए और सीखिए आसानी से कि इसे कैसे बनाते हैं। गाइज आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी आप वीडियो अपलोड करें वो आपका अपना हो, कहीं से कॉपी किया हुआ ना हो या फिर किसी और का वीडियो चोरी किया हुआ ना हो। जो भी बनाए आप अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालें, क्योंकि अगर आप किसी और का वीडियो डालते हैं, कोई ऐसा कंटेंट डालते हो, तो क्या होता है कि YouTube के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस, अगर वो वायलेट होता है तो आपके चैनल पे स्ट्राइक्स आता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपका चैनल बंद भी कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। इसके बाद आपको यहाँ यूट्यूब स्टूडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो न्यू यूट्यूब स्टूडियो, गुड बाय क्लासिक स्टूडियो। यहाँ पे जो है YouTube का पहला स्टूडियो था जहाँ वीडियो अपलोड करते थे वो क्लासिक स्टूडियो था, उसे हटा के YouTube एक नया स्टूडियो लाया है, YouTube स्टूडियो बीटा, तो वही यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसके बारे में जान सकते हैं लर्न मोर पे क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चैनल मोनेटाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, यहाँ पे जो है आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे रीजन में दे रखा है कि जिस लोकेशन से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे YouTube का जो पार्टनर प्रोग्राम है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर कह रहा है अगर ये मिस्टेक से हो रहा है तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन अपडेट करो, तो चलिए उसके लिए सिंपली यहाँ पे आप अपडेट लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने। देन आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री में अफगानिस्तान सेलेक्टेड है, तो यहाँ से आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में रिटर्न टू YouTube स्टूडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ YouTube स्टूडियो का जो होम पेज है वहां पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कुछ अलग तरीके का इंटरफेस नजर आ रहा है। यहाँ पे ग्रो विद YouTube, यहाँ पे जो है YouTube को मोनेटाइजेशन करने के लिए अपने चैनल को यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर जो है रिक्वायर्ड है YouTube की तरफ से, ये होने चाहिए। और जो यहाँ पे पब्लिक वॉच टाइम आवर्स जो है वो 4000 होने चाहिए। तो जैसा कि अभी हमारा चैनल नया है, कोई भी वीडियोज अपलोड नहीं है, तो ये सारे जितने भी थ्रेशोल्ड है अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, जैसे ही आपके वीडियोज अपलोड करेंगे और आपके वीडियोज पे व्यूज आएंगे और वर्स्ट टाइम जो होगा 4000 आवर्स हो जाएगा और आपके सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, YouTube आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई करेगा कि आप एलिजिबल हो गए हैं मोनेटाइजेशन के लिए और आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको सिंपली नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल पे क्लिक कर देना है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चैनल जो है क्रिएट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ जो देरी है वो हमें वीडियो अपलोड करने की है। तो गाइज ये थी वो सिंपल सी प्रोसेस जिसे फॉलो करके आप भी YouTube पे चैनल शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें। और अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।